देश में मॉनसून की एंट्री के बाद से ही अलग अलग राज्यों के लिए बारिश आफत लेकर आई है। महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्य हैं जहां पर भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जबकि पौश इलाकों में भी बारिश का पानी भर गया है। गुजरात में भारी बारिश से मची तबाही के बीच अब तक 59 लोगों की जान चली गई है। उधर तेलंगाना में भी कई स्थानों पर निचले इलाकों में पानी भर गया है और गांवों के बीच सड़क संपर्क क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई दूसरे राज्यों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इन राज्यों में बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 218 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में अकेले बाढ़ की वजह से अब तक 84 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर से लेकर नासिक तक हाहाकार मची हुई है। महाराष्ट्र में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। बारिश के आगे हर कोई बेबस और लाचार नजर आ रहा है। नासिक और नागपुर में सबसे ज्यादा बर्बादी और तबाही देखने को मिल रही है। नदियां उफान पर है, नदी किनारे बने घर और मंदिर सब कुछ डूब गए हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और अकोला में बाढ़ कहर बरपाने लगी है। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ NDRF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अकोला में नदियों के उफान की वजह से तटीय इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। महाराष्ट्र के 6 जिलों में रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने पालघर, नासिक, रायगढ़, पुणे, सतारा और कोल्हापुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नज़र बनी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के 14 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है और भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। मध्य प्रदेश में बाढ़ से अब तक 66 लोगों की मौत हो चुकी है। MP के सागर में भारी बारिश की वजह से रेलवे लाइन के चारों तरफ पानी भरा है। रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के लिए बनी पुलिया पानी में डूब चुकी है। ऐसे में लोगों के सामने आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो लोग जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक से होकर आने जाने लगे हैं। कई जगह आसमानी बिजली गिरी है, जिससे 3 स्कूली बच्चों की भी मौत हो गई है। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश कहर बरपा रही है। इस प्रदेश में भी बारिश की शुरुआत से लेकर अब तक 59 लोगों की जान चली गई है। NDRF की टीम 13 टीमें राज्य के अलग अलग जगहों में तैनात है। यहाँ नर्मदा नदी में बाढ़ की वजह से प्रशासन सतर्क है। भरूच और नर्मदा जिले के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में रेड अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में आसमानी आफत के आगे मासूम भी बेबस और लाचार हो गए हैं। सुकमा में भारी बारिश से गांव में पानी भर गया है, रास्ते कट गए हैं। ऐसे में गांव वाले अपने बच्चों को उफनते नाले को पार कराने के लिए एक बर्तन में रखकर धीरे धीरे सैलाब को पार कराते दिखे हैं। वहीं बस्तर में भी भारी बारिश ने स्कूली बच्चों का रास्ता रोक दिया है। आपको बता दें, दक्षिण भारत में भी इन दिनों सैलाब कहर बनकर टूटा है। कर्नाटक के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बेलगावी में नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश से कर्नाटक का बेलगावी जलमग्न हो गया है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहां तेज बारिश की वजह से बेलगावी की घट प्रवाह नदी पूरे उफान पर है। भारी बारिश की वजह से विजयपुरा इलाके में एक मकान की छत गिर गई है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा की और लोगों तक मदद और राहत पहुंचाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बनरिया बनंदिया हिंदी के साथ।